रोक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। शौक पहले हमदे रब है फिर दुरूदे मुस्तफा। वाकया फिर हजरत ईसा नबी अल्लाह का। वाकया फिर हजरत ईसा नबी अल्लाह का। वाकया फिर हजरत ईसा नबी अल्लाह का। वाकया फिर हजरत ईसा नबी अल्लाह से सुन लो अजीजो वाकया सच्चा है ये। जान लो ऐ दोस्तो कुरान में लिखा है ये। जो किताबों में पढ़ा वो नज्म मैंने कर दिया। सुन के इन हालात को करना मेरे हक में दुआ। साहिदा और पारसा बेटी थी एक इमरान की। उसका मरियम नाम था और मेहर थी रहमान की। हजरत मरियम हुई जिस वक्त 14 साल की। तो जरूरत पेश आई उनको ऐसे हाल की। हो गई वो बालिगा अल्लाह की रहमत हो गई। यानी गुस्ले हैज की उनको जरूरत हो गई। हजरत मरियम कुंवारी थी हसीनों में जबी। अपनी खाला के यहाँ वो गुस्ल करने को गई। खूबसूरत एक जवान उनको वहाँ आया नजर। बोला मरियम से तुम्हें अल्लाह देगा एक पिसर। खूबरू होगा वो ऐसा देख कर होगी निहार। है मुबारक ये तुम्हारे वास्ते मौजूदा साल। बोली मरियम कौन हो तुम किस लिए आए यहाँ। मैं हूँ कुंवारी किस तरह देगा पिसर रब्बे जहाँ। बोला वो जिब्रील हूँ मैं रब ने भेजा है मुझे। तुमसे पैदा होगा बेटा खूबरू बिन बाप के। कोई भी मुश्किल नहीं ये काम अल्लाह के लिए। कोई भी मुश्किल नहीं ये काम अल्लाह के लिए। कोई भी मुश्किल नहीं ये काम अल्लाह के लिए। कर दिया आदम को पैदा उसने बिन माँ बाप के। कर दिया आदम को पैदा उसने बिन माँ बाप के। कर दिया आदम को पैदा उसने बिन माँ बाप के। आदम की जो जिब्रील अमी के पास थी। बढ़ के मरियम के गले में गायबाना डाल दी। ये भी लिखा है कि मर्जी से खुदाए पाक की। पेट में मरियम के उसने रूह फौरन फूंक दी। पेट से मरियम के फौरन आई ये दिलकश सदा। है खुदाए पाक वाहिद
मैं हूँ एक अब्दे खुदा। हजरते मरियम वहाँ से मस्जिदे अक्सा गई, रात दिन रह कर वहाँ रब की इबादत में लगी। रोती थी और कहती थी जो मुझ पे गुजरा हादसा, ये किसी पे भी ना गुजरे ऐ मेरे रब्बुल उला। बेगुना हूँ फिर भी मैं रुसवा यहाँ हो जाऊंगी, ये हमल ठहरा है कैसे क्या भला बतलाऊंगी। बाप माँ भी कौम में रुसवा मेरे हो जाएंगे, कौम वाले बात का मेरी यकीन कब लाएंगे। लाख पोशीदा रखा वो हाल मरियम ने, मगर कुछ दिनों के बाद सबको हो गई उसकी खबर। फिर तो सारे शहर में छुप छुप के ये चर्चा हुआ, क्वारी मरियम हामुला है ये गजब कैसा हुआ। बदचलन मालूम होती है ये लड़की बेशुबा, हर कोई मरियम से जाकर पूछता ये माजरा। कुछ ना कहती थी किसी से सिर्फ रो देती थी वो, कुछ ना कहती थी किसी से सिर्फ रो देती थी वो, कुछ ना कहती थी किसी से सिर्फ रो देती थी वो। बस खुदा को याद करके आह भर लेती थी वो, मरियम रुक गई। हो गए पैदा शिकम से हजरत ईसा वहीं, सर पे रहमत की घटाएं बुक में रब से छा गई। उस शजर में ताजगी आई खजूरें आ गई, पास में मरियम के हूरे और फरिश्ते आ गए। आबे कौसर से कराया गुस्ल बच्चे के लिए, पैरहन जन्नत का पहनाया दिया फिर गोद में। शुक्र अदा मरियम ने करके ले लिया फिर गोद में, एक चश्मा पास ही में हो गया जारी वहां। हजरत ईसा ने रोकर ये कहा है मेरी माँ, आप रंजीदा न हो सर पर है रब्बुल आलमी, मेरे आने से तुम्हारे को क्या राहत नहीं। बात ये बच्चे की सुनकर उनका दिल खुश हो गया, चूम कर पेशानी उसकी सीने से चिपटा लिया। खूबसूरत इस कदर थे हजरत ईसा नबी, उन पे कुर्बान हो रही थी चौदहवीं की चांदनी। उनके जलवों से मुनव्वर हो गई सारी फजा, अनवार होती थी बफजले की बुरिया। बारिश अनवार होती थी बफजले की बुरिया, बारिश अनवार होती थी बफजले की बुरिया।
निंदा, फल मिलेंगे खाने को शजरे खजूर उठकर हिला। उठ के मरियम ने हिलाया इस घड़ी शजरे खजूर, मीठे मीठे फल गिरे खाए मिला दिल को सुरूर। खाई जब ताजा खजूरे तो तवानाई मिली, शुक्र खालिक का बजा लाई खिली दिल की कली। फिर सदा आई के बच्चा लेके अपने शहर जा, बात मत करना किसी से अपने घर में ठहरना, कोई पूछे तो इशारा करना बच्चे की तरफ, हम अता कर देंगे बच्चे को तकल्लुम का शरफ। सुन के ये गैबी सदा बच्चे को लेकर घर गई, बच्चा झूले में लिटाया और खुद बैठी वहीं। कौमे इसराइल के कुछ लोग पहुंचे और कहा, तू है कुंवारी ये बता बच्चा है ये किसका जना, तेरे माँ और बाप तो ऐसे नहीं थे नेक थे। बोली वो करके इशारा बच्चे ही से पूछिए, बोले वो बच्चे से तू ही दे हमें अपना पता। हजरत ईसा ने सुन के ये जवाब उनको दिया, दी नबूवत मुझको रब ने, मैं हूँ एक अब्दे खुदा, अपनी कुदरत से मुझे अल्लाह ने पैदा किया। मुझको भेजा है खुदाए पाक ने अपना सलाम, मुझको भेजा है खुदाए पाक ने अपना सलाम, मुझको भेजा है खुदाए पाक ने अपना सलाम। लाजमी फरमाया मुझ पे मेरी माँ का एहतराम, लाजमी फरमाया मुझ पे मेरी माँ का एहतराम, लाजमी फरमाया मुझ पे मेरी माँ का एहतराम। फर्ज फरमाई गई पाबंदिए सोमो सलात, और है ये हुक्म देना चाहिए सबको ज़कात। सुन के सब ईसा की बातें सख्त हैरत में पड़े, बोले मरियम पारसा है पाक है इल्जाम से। पापुशी मरियम उन्हें फिर परवरिश करने लगी, दिल से करती थी अदा वो शुक्र रब्बुल आलमी। आदमी गहवारे पे सुनते थे ईसा से कलाम, हजरत ईसा सुनाते रब की बातें सुबह शाम। आप जब बालिग हुए तो आई रब की ये वही, कौम को बतलाओ के लाजिम है रब की बंदगी। सबसे ईसा ने कहा अल्लाह ताला एक है, बंदगी उसकी करो ये काम तुमको नेक है। मुझ पे और अल्लाह पर ईमान लाओ तुम सभी, रहबरी को मैं तुम्हारी आया हूँ बनकर नबी। बोले वो हम तो नबी मानेंगे मूसा के लिए, हम तुम्हारी बात क्यों माने के हो बिन बाप के। हो गए बेजार ईसा सुन के बातें कौम की, शहर से बाहर निकल कर चल दिए ईसा नबी। रास्ते में कुछ हवारी कपड़े धोते मिल गए, उनसे फरमाया के पहले दिल तो अपना धोइए। दीन में आओ हमारे साफ दिल हो जाएगा, दीन में आओ हमारे साफ दिल हो जाएगा, दीन में आओ हमारे साफ दिल हो जाएगा। सुन के ये कलमा पढ़ा सबने नबी अल्लाह का, सुन के ये कलमा पढ़ा सबने नबी अल्लाह का, सुन के ये कलमा
मिले दरिया किनारे माही गीर उनके लिए, उनको दावत दीन की दी तो वो ये कहने लगे, तुम अगर सच्चे नबी हो तो दिखाओ मोजिजा। मोजिजे रब ने किए हैं सारे नबियों को अता, बोले ईसा मिट्टी की चिड़िया बना कर तुम उड़ा, तुम जो खा कर आए हो वो चीज तुमको दूं बता, हाथ रख दूं तो जुजामी तंदुरुस्त हो जाएगा, वो कोई बीमार तो फौरन शिफा वो पाएगा, जिंदा कर दूंगा मैं मुर्दा को खुदा के फजल से, बीना ना बीना को कर दूं आजमा कर देखिए, मोजिजे ये सब मुझे रब ने है फरमाए अता, लाओ तुम ईमान जो अल्लाह पर होगा भला, सुन के माही गीर बोले वान दो हमको मंगा, तो अभी कलमा पढ़ेंगे हम तुम्हारे दीन का, हजरत ईसा ने मांगी नंगे सर हो कर दुआ, तो फलक से पान उतरा अच्छे खानों से भरा, खुरमे और जैतून उसमें पांच रखे थे अनार, एक तली मछली थी उसमें नेमतें थी बेशुमार, बोले वो सब आदमी मछली को तुम जिंदा करो तो अभी तस्लीम कर लेंगे तुम्हारे दीन को, पढ़ के कुछ ईसा ने फूंका मछली जिंदा हो गई, पढ़ के कुछ ईसा ने फूंका मछली जिंदा हो गई, पढ़ के कुछ ईसा ने फूंका मछली जिंदा हो गई, फिर दुआ की आपने जिंदा से मुर्दा हो गई, फिर दुआ की आपने जिंदा से मुर्दा हो गई, फिर दुआ की आपने जिंदा से मुर्दा हो गई। फिर वो कुछ ने खाया कुछ ने कुछ खाया नहीं, जिसने खाया उसको अपनी सब मुरादें मिल गई, जो थे मुफलिस हुक्मे रब से वो तवंगर हो गए, और जो बीमार थे फौरन हुए अच्छे भले, खाया जब अंधों ने तो आंखों में आई रोशनी, और जुजामी को दोबारा तंदुरुस्ती मिल गई, इस तरह 40 दिन तक पान वो आता रहा, जो बशर ईमान लाए खुश हुआ उनसे खुदा, जो नहीं ईमान लाए आ गई उन पर बला, रीछ और खिंजीर जैसा उनका चेहरा हो गया, एक दिन ईसा चले जाते थे जंगल में कहीं, पहुंचे कब्रस्तान में तो बहुत सी कब्रें मिली, कब्र एक ऐसी थी जिससे नूर का इखराज था, जिससे कब्रस्तान की रोशन हुई सारी फजा, हजरत ईसा ने की अल्लाह ताला से दुआ, कब्र वो एकदम खुली एक आदमी जाहिर हुआ, नूर की चादर वो ओढ़े था बहुत मसरूर था, हजरत ईसा ने पूछा क्या सबब है नूर का, बोला मैं आसी था और मुझ पर अजाबे कब्र था, मेरे लड़के की दुआ से ये मुझे रुतबा मिला, जब कोई माँ बाप को अल्लाह से करता है दुआ, जब कोई माँ बाप को अल्लाह से करता है दुआ, जब कोई माँ बाप को अल्लाह से करता है दुआ, तो बिला शक वो दुआ होती है मकबूले खुदा, तो बिला शक वो दुआ होती है।
मकबूले खुदा, तो बिला शक वो दुआ होगी है मकबूले खुदा, तो बिला शक वो दुआ होगी है मकबूले खुदा, तो बिला शक वो दुआ होगी है मकबूले खुदा, तो बिला शक वो दुआ होगी है मकबूले खुदा, तो बिला शक वो दुआ होगी है मकबूले। एक दिन की बात है के हजरत ईसा नबी शाम को सहरा में पहुँचे सैर करने बाखुशी, रास्ते में खोपड़ी इंसान की उनको मिली, थी वो पोसीदा पुरानी खाक में आलूदा थी, आपने उस खोपड़ी को देखा तो ठहरे वहाँ, दिल में सोचा खोपड़ी का खोपड़ी दे खुद पता, आपने अल्लाह ताला से ये फौरन की दुआ, या खुदा इस खोपड़ी से बात तू मेरी करा, गैब से आवाज आई ऐ नबी ईसा सुनो, खोपड़ी बोलेगी फौरन बात तुम इससे करो, जब कहा ईसा ने तू ऐ खोपड़ी मुझको बता, किसकी है तू खोपड़ी हालात अपने तू सुना, पढ़ के वो ईसा का कलमा इस तरह गोया हुई, हाल मैं अपना सुनाऊं आपको प्यारे नबी, नाम है जमजाह में इस मुल्क का सुल्तान था, ये हजारों महल मेरे किला आलीशान था, मशरिको मगरिब पे करता था हुकूमत बेखतर, सारी दुनिया के शहंशाह थे मेरे तेरे असर, हुक्म मेरा टाल सकता था न कोई भी कभी, झुक के सारे बादशाह ताजीम करते थे मेरी, था खजाना बहुत मुझ पर लालो गौहर बेशुमार, खिदमत में लगे रहते थे खातिम दस हजार, मेरी खिदमत में लगे रहते थे खातिम दस हजार, मेरी खिदमत में लगे रहते थे खातिम दस हजार। लश्कर इतना था डरते थे सारे हुक्मरां, मेरी ताबेदारी में रहते थे शाहाने जहां, गाने वाली थी हजारों लड़कियां दरबार में, इतनी ही रखासा रहती थी मेरे इख्तियार में, खूबसूरत में जबी थी बीबियां मेरी हजार, सारी दुनिया में था कायम मेरी शाही का वकार, ऐशो इशरत में मगन रहता था मैं आठों पहर, शुक्र खालिक का न करता था कभी मैं भूल कर, बुत परस्ती में रहा करता था ऐसा मुबतिला, मैं हकीकी रब से रखता था न कोई वास्ता, अपनी ताकत और हुकूमत पर सदा फूला रहा,
जिंदगी भर में खुदाए पाक को भूला रहा। अपनी रैयत पर मगर रहता था हर दम मेहरबा, बादशाही से मेरी खुश थे सभी खुर्दो कलां। मुफलिसों को रोटी कपड़ा बांटता रहता था मैं, बेसहारों की मुसीबत काटता रहता था मैं। फिक्र गम रंजो अलम मैंने कभी पाया नहीं, फर्क कोई मेरी सेहत में कभी आया नहीं। 400 बरसें गुजारी दुख नहीं मुझको हुआ, आखिरत की फिक्र मुझको और न था खौफे खुदा। एक दिन बैठे बिठाए दर्द सर होने लगा, एक दिन बैठे बिठाए दर्द सर होने लगा, एक दिन बैठे बिठाए दर्द सर होने लगा। दिल में वहशत हो गई पैदा, मैं घबरा सा गया। दिल में वहशत हो गई पैदा, मैं घबरा सा गया। दिल में वहशत हो गई पैदा, मैं घबरा सा गया। दम मेरे बदन में कप कपी सी बंध गई और ढीले हो गए फिर जिस्म के आजा सभी। देखते ही देखते हालत हुई मेरी अजीब, सब वजीरों ने बुलाए एकदम शाही तबीब। होश मेरे गुम हुए होता रहा मेरा इलाज, फायदा बिल्कुल ना हो पाया किया तो एहतजाज। रफ्ता रफ्ता और नाजुक हो गई हालत मेरी, मैंने बेहोशी में ये आवाज कानों से सुनी। कह रहा था कोई जल्दी रूह लो इसकी निकाल, हुक्म है अल्लाह का जालिम को दो दो जख्म डाल। फिर नजर आए फरिश्ते मुझको तलवारें लिए, और कुछ के हाथ में थे गुर्जु भारी आग के। एकदम फिर आग ऐसी मेरे ऊपर डाल दी, आग इतनी तेज मैंने तो कभी देखी न थी। फिर पकड़ के जान तन से जब लगे वो खींचने, मैंने घबरा के कहा कुछ देर मोहलत दीजिए। सब हुकूमत मालो जर ले लीजिए मेरा, मगर तुम चले जाओ खुदारा आज मुझको छोड़ कर। इतना सुन के एक तमाचा मेरे मारा जोर से, जिससे मेरे जिस्म के सब जोड़ ढीले हो गए। बोले इज़राइल रिश्वत तो खुदा लेता नहीं, बोले इज़राइल रिश्वत तो खुदा लेता नहीं, बोले इज़राइल रिश्वत तो खुदा लेता नहीं। रूह तेरी खींच कर ले जाएंगे मुशरिक लई, रूह तेरी खींच कर ले जाएंगे मुशरिक लई, रूह तेरी खींच कर ले जाएंगे मुशरिक लई। हजार रूह को मेरी फरिश्ते ले गए, मैं मर गया।
फिर मुझे ले जाके सबने कब्र में दफना दिया। फिर फरिश्ते कब्र में आए जमी को फाड़ कर, देख कर उनको मेरे थर्रा गए कल्ब जिगर। ऐसी है बदनाक सूरत जो कभी देखी न थी, हाथ में उन दोनों के थे गुर्दु भारी आतशी। लंबे लंबे दांत उनके और आंखें लाल ताल, कब्र में बिठला के मुझसे वो लगे करने सवाल। रब है तेरा कौन, तेरा दीन है क्या ये बता, ये शबीहे पाक है किसकी बता हमको जरा। मैं नहीं दे पाया उन तीनों सवालों का जवाब, गुर्जु मारे फिर किया उस कब्र में बेहद अजाब। फिर मुझे लेकर गए वो अर्श आजम के करीब, डाला दोज़ख में मुझे जिसमें सजा है कुछ अजीब। आग की जंजीरों से बांधा गया मेरे लिए, सांप और बिच्छू वहां डसने लगे फिर जोर से। पानी मांगा तो लहू और पीप पीने को दिया, जिसको पीते ही कलेजा मेरा भुन कर रह गया। ये सदा आती थी तुझको रब ने बख्शा माल जर, ये सदा आती थी तुझको रब ने बख्शा माल जर, ये सदा आती थी तुझको रब ने बख्शा माल जर। तूने उसकी बंदगी बिल्कुल नहीं की उम्र भर, तूने उसकी बंदगी बिल्कुल नहीं की उम्र भर, बंदगी बिल्कुल नहीं की उम्र भर। सब हालात फिर ईसा नबी ने ये कहा, हमसे तू क्या चाहता है मुद्दा अपना बता। बोला मेरे हक में अल्लाह पाक से कीजे दुआ, हो रिहाई मेरी दोज़ख से मुझे बख्शे खुदा। मुझको जिंदा करके फिर दुनिया में भेजे किबरिया, बंदगी में उस खुदा की मैं रहूंगा मुबतिला। भूल कर भी नाम अब ना लूंगा मैं असनाम का, दिल में मेरे अब अकीदा जम गया इस्लाम का। सुन के ये फरियाद फिर ईसा नबी ने की दुआ, बख्श दे जम जाह के या रब तू सब जुर्मो खता। जिंदगी फिर से अता कर फिर जहां में भेज दे, ताकि इबरत का सबक हासिल हो बंदों के लिए। हो गए आजा जमा फिर एकदम जम जाह के, जिंदा फौरन हो गया वो हुक्म से अल्लाह के। उठ के कलमा पढ़ लिया ईसा नबी अल्लाह का, फिर वो 80 साल तक रब की इबादत में रहा। दीन हक पर रह के उसने तौबा इस्तगफार की, फातिमा हक पर हुआ फिर उसको जन्नत मिल गई। हजरत ईसा नबी का देखिए ये मोजिजा, हजरत ईसा नबी का देखिए ये मोजिजा, हजरत ईसा नबी का देखिए ये मोजिजा। बाद मुद्दत के भी उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, बाद मुद्दत के भी उस मुर्दे को जिंदा कर दिया, बाद मुद्दत के भी उस मुर्दे को जिंदा कर दिया।
आगे के हालात अब तुम और ईसा के सुनो। जब चले बैतुल मुकद्दस से वो मुल्के शाम को, वालदा मरियम भी उस दम आपके हमराह थी। इत्तफाकन राह में बीमार एकदम हो गई, हजरत ईसा से बोली जड़ वो ही ला दे मुझे, पहले जो लाया था तू मेरी दवा के वास्ते। हजरत ईसा गए वो लौट पाए भी नहीं, हजरत मरियम अचानक इस जहां से चल बसी। आ गई जन्नत से हूरे गुस्ल उनको दे दिया, फिर कफन पहनाया उनको जन्नतुल फिरदौस का, फिर वहीं पर दफन करके पूरे वापस हो गई। आए जब ईसा नबी माँ को वहां पाया नहीं, आपने माँ के लिए फिर जोर से आवाज दी। तीसरी आवाज पर आवाज ये उनको मिली, क्यों पुकारा तुमने बेटा मैं यहाँ पर आ गई। बोले ईसा मेरी माँ क्यों देर से आवाज दी। बोली मरियम खुल्द में आवाज पहली थी सुनी, दूसरी आवाज पर सिदरा तलक में आ गई। तीसरी आवाज पहले आसमां पर थी सुनी, तब जवाबन मैंने ये तेरे लिए आवाज दी। फिर कहा ईसा ने अपना हाल कुछ बदलाइए, बदलाइए। बोली वो अब जन्नतुल फिरदौस में हूँ चैन से, बोली वो अब जन्नतुल फिरदौस में हूँ चैन से, बोली वो अब जन्नतुल फिरदौस में हूँ चैन से। ईसा हुए वापस वहां से गम लिए, आए वो बैतुल मुकद्दस में वहीं रहने लगे। कौम को तबलीग की हर चंद समझाया गया, बहुत कम लोगों ने माना था असर तबलीग का। कुछ हवारी आपके हमराह रहते थे सदा, एक दिन उन साथियों से एक औरत ने कहा, इसलिए पीछे लगे रहते हो तुम है बात क्या, कौन सी खूबी है ईसा में हमें ये दो बता। मोमिनों ने फिर मुखातिब होके उससे ये कहा, कोढ़ी अच्छे कर दिए बीमारों को बख्शी शिफा, जो थे ना बीना उन्हें बीना किया है आपने, चाह जिस मुर्दे को जिंदा कर दिया है आपने। बोली वो औरत के माँ इनकी है रुतबे में सिवा, जिसने ऐसे आला बेटे के लिए पैदा किया। तब कहा ईसा ने एक ऐसा जमाना आएगा, जिसमें पैदा होंगे एक आला पैगंबर मुस्तफा, उनकी उम्मत के बशर होंगे निहायत पाकबार, हिफ्ज कर लेंगे कुरान वो और होंगे सरफराज। कोई भी दीगर कुतब को हिफ्ज कर सकता नहीं, बस कुरान पाक के हाफिज बनेंगे मोमिनी। वो इमामुल अंबिया होंगे सनद ऐसी मिली, वो इमामुल अंबिया होंगे सनद ऐसी मिली, वो इमामुल अंबिया होंगे सनद ऐसी मिली। नाम अहमद होगा उनका आखिरी होंगे नबी, नाम अहमद होगा उनका आखिरी।
वाली होंगे नबी। लिल आलमी बनकर जहां में आएंगे, हश्र के दिन बस शफात एक वो ही कर पाएंगे। उनका ये ऐलान सुनकर कौम दुश्मन हो गई, बादशाह काफिर था उससे की शिकायत आपकी। एक मकाम में आप थे तन्हा, वहीं घेरा उन्हें हाशियू सरदार आला एक यहूदी कौम में। उसको भेजा इसलिए ईसा को जल्दी लेके आ, जिस घड़ी पहुंचा मका में उसने देखा माजरा। छत मका की फट गई, ईसा नबी ऊपर गए, वो चहारम आसमां पर खैर से रहने लगे। जब मका से शिव निकला शक्ल थी बदली हुई, बहू ईसा नबी की शक्ल उसकी बन गई। जानकर ईसा उसे पकड़ा उसी की कौम ने, ले चले उसके लिए सब फांसी देने के लिए। उसने की हर चंद ईसा की हकीकत आशिकार, और कहा ईसा नहीं हूँ मैं, सुनो मेरी पुकार। सबने मिलकर उस बशर को फांसी पे लटका दिया, दो बशर थे एक है और एक है कूला पता। है ये ईसा तो भला सरदार अपना क्या हुआ, और ये सरदार है तो है कहाँ ईसा भला। लिखा है कुर्बे कयामत आएंगे ईसा नबी, करेंगे।